बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मदीहा रास किचन। आज मेरे किचन में बनने वाली है 3-way पफ पेस्ट्री ट्रीट्स। जी, आज मैं एक ही पफ पेस्ट्री को यूज़ करते हुए आपको 3 different उससे चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो हम ब्रेकफास्ट के अंदर टी के ऊपर इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं, आप लंच बॉक्सेस में इनको बच्चों को दे सकते हैं। बनाने में बहुत ही सिंपल है और साथ साथ मैं आज आपको इसको स्टोर करना भी सिखाऊंगी। तो चलिए हम करते हैं जल्दी से बनाना स्टार्ट। चलिए जी, देखिए 3-way पफ पेस्ट्री के अंदर सबसे पहले आज जो मैं पफ पेस्ट्री को यूज़ करने वाली हूँ वो हम बनाने वाले हैं उसके साथ चॉकलेट स्पाइरल्स। देखिए, चॉकलेट स्पाइरल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेडीमेड पफ पेस्ट्री की शीट यूज़ कर रही हूँ। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर, पाउंड और लेस देन पाउंड में आपको ये हर जगह इजीली मिल जाती है। लेकिन अगर आप तब भी चाहते हैं कि मैं आपको पफ पेस्ट्री शीट की रेसिपी भी दूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलें हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, मेरे पास एक शीट है, इसको मैं पहले कर लूँगी इस तरह से मिडल से हाफ। अब ये जो हमारा हाफ पोर्शन है इसको हम कर देंगे एक साइड पे। ये जो हमारे पास हाफ बचा है इसके अंदर मैं क्या करूँगी, देखिए मैं यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ। कोई सा भी यूज़ कर लें, आप चाहें तो नटाला भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, जो आपको ज़्यादा पसंद है। सही है, अब देखिए हम इसके एक साइड पे हाफ पे सॉस इस तरह से लगा देंगे। अब हमने क्या करना है कि इस साइड से हम इसको इस तरह से कर देंगे इसके ऊपर फोल्ड, और अब मैं इसको कट कर लूँगी पतली पतली स्ट्रिप्स के अंदर। अब मैं इस पर थोड़ा सा डालूंगी अपने वर्कटॉप पे फ्लावर। ठीक है, एक देखिए हमने ये स्ट्रिप इस तरह से उठाई है, ओके, और इसको हम करेंगे इस तरह से, देखें ट्विस्ट, परफेक्ट। और उसके बाद आप इसको कर दें इस तरह राउंड। ये देखिए क्या मज़ेदार से हमारे चॉकलेट स्पाइरल्स बिल्कुल रेडी हैं, और इसको अब मैं अपने बेकिंग ट्रे पर शिफ्ट कर दी जाऊँगी। चलिए जी, अब हम करते हैं अपनी रेसिपी नंबर 2 स्टार्ट, जिसका नाम है जैम ट्विस्टर्स। देखिए ये जो रेसिपी, ये भी बहुत सिंपल है। जो मैंने हाफ जो अपनी पफ पेस्ट्री शीट अभी कट की थी वो मैंने ले ली है, उसके ऊपर देखें मैंने यहाँ पे पीछे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रास्पबेरी जैम। आपको जो भी जैम पसंद है, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, जो भी आप शौक से खाते हैं आप वो जैम ले लीजिए, और इसको हम कर देंगे इसके ऊपर स्प्रेड। देखिए जी, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी इस पफ पेस्ट्री को इसके ऊपर इस तरह से, देखिए इसको फोल्ड कर दूंगी और हम इसको इस तरह से रख लेंगे। इसके बाद हमने सेम ही जो स्टेप किया था हमने पहले वही फॉलो करेंगे हम। इसको अब हम वर्टिकली लेंथ में कर लेंगे कट। देखिए अब मैं एक इसको लूंगी, ठीक है, और इसको अब मैं करूंगी ट्विस्ट। आप अगर चाहें तो ये छोटे साइज के भी बना सकते हैं, मैं थोड़े बड़े बड़े से बना रही हूँ। चलिए जी, अब जो हमारी नंबर 3 रेसिपी है, नंबर 3 जो हमारी रेसिपी है वो है सिनेमन पिनव्हील। देखिए सिनेमन पिनव्हील्स के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने 2 tablespoons शुगर ली है, और उसके अंदर मैंने 1/3 tablespoon जो है वो सिनेमन पाउडर जो है वो यानी कि दालचीनी का पाउडर वो मिला लिया है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक और पफ पेस्ट्री ले ली है, इसको अब मैं वर्टिकली हाफ करूँगी। आई नो मेरा ज़रा हाफ ज़्यादा सीधा नहीं हुआ है, लेकिन इट्स फाइन। लेकिन ये जो मेरे पास सिनेमन पाउडर है इसको मैं इस पर, सिनेमन और शुगर का पाउडर, इसको मैं इस पर अच्छे से कर दूंगी स्प्रेड। ओके जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है फोल्ड। इस तरह से लेके वेरी केयरफुली आप इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर दें। सही है जी, अब हमने करना है इसको कट। देखिए डिपेंड करता है कि आप कितने थिक बनाना चाह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं बना रही हूँ, बस एक मीडियम साइज के बना रही हूँ। तो रफली इस साइज के लेके आप इसको बीच से कट कीजिए, वेरी जेंटली, कि इसका शेप ना खराब हो। ये देखिए क्या खूबसूरत मेरे पिन व्हील्स बने हैं सिनेमन के। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जेंटली कर दूंगी प्रेस इस तरह से, ये देखिए, और इसको हम अब रख लेंगे अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर। तो ये देखिए क्या जबरदस्त से हमारे चॉकलेट स्पाइरल्स, जैम ट्विस्टर्स एंड सिनेमन पिनव्हील्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप है,
इसको ओवन में डालने से पहले देखें, यहाँ पे मैंने एग ले लिया है, इसको बीट कर लिया है। अगर आपके पास एग नहीं है तो आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको अच्छा सा कलर देने के लिए अब हम कर देंगे इन सबको ब्रश एग इनके ऊपर। तो चलिए जी, देखिए एग हमने कर दिया है अच्छी तरह से ब्रश। अब मैं इनको डालने जा रही हूँ ओवन में एट 1 degree centigrade फॉर 15 to 20 minutes, ठीक है। लेकिन आपने इसके ऊपर नज़र रखनी है, जैसे ही आपको लगे कि ये खूब मज़ेदार सा इन्होंने कलर ले लिया है गोल्डन सा, तो हम इनको ओवन से निकालेंगे। तो विल सी यू आफ्टर 15 minutes। जी देखिए, हमारे सारे जो पफ पेस्ट्री की चीज़ें थी वो चली गई हैं तीनों रेसिपीज ओवन में। मैं अब आपको इसको फ्रीज करना भी सिखाऊंगी। देखें, आप एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से बटर पेपर जो है वो लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने बनाए हैं ये आप इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मैं जाके रख दूंगी फ्रीजर में, ठीक है। फ्रीजर के अंदर आप इसको इतना कर दीजिए कि थोड़ा सा ये फ्रीज हो जाए, जो आपकी पफ पेस्ट्री है ये उठाने में हार्ड हो जाए और ये आपस में ना चिपके। जब आपको लगे कि ये फ्रीज हो चुकी है, आप इसको प्लेट से निकालिए। ये बटर पेपर लगाने का रीज़न ही ये है ताकि ये स्टिक ना हो पीछे, ये इजीली निकल जाए। और आप इसको किसी भी फ्रीजर बैग के अंदर जो है वो डाल के स्टोर कर दीजिए। जब आपका दिल चाह रहा है आप इसको निकालिए, इसके ऊपर थोड़ा सा एग या मिल्क ब्रश कीजिए और इसको ओवन में डाल दीजिए। और गरम गरम फ्रेश फ्रेश पफ पेस्ट्री की तो बात ही और होती है। तो ये मैं जो रिमेनिंग है इनको करने जा रही हूँ स्टोर, और आप लोग भी बना के इसको कर लीजिए फ्रीज। ये लीजिए भाई, मज़ेदार सी हमारी 3-way पफ पेस्ट्री ट्रीट्स जो हैं वो ओवन से आ चुकी हैं बाहर, और मैंने उसको इस तरह से देखिए मज़ेदार से प्लेटर के ऊपर रख लिया है। आप लोग शक्ल देखिए क्या फिट इनकी आई है, बिल्कुल जैसे आपको ये नॉर्मल कैफेज के अंदर या सुपरमार्केट्स की बेकरीज के अंदर मिलते हैं, ये बिल्कुल उस तरह के बने हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी करते हैं डेकोरेशन। देखिए, मैंने इसके ऊपर, ये ऑप्शनल है, ये मैंने ले ली है आइसिंग शुगर, और इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कर दूंगी डस्ट, just to add a bit of a color in it. चलिए जी, अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे, मजेदार से सिनेमन पाइन व्हील्स, जैम ट्विस्टर्स, या फिर हमारे मेरे मोस्ट फेवरेट चॉकलेट स्पाइरल्स। देखिए, ये ऐसी चीज है कि आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप हाई टी में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप टी टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत फिट जाते हैं ये। बच्चों को आप लंच बॉक्सेस वगैरह में भी दे सकते हैं, स्पेशली ये जैम और चॉकलेट वाले तो बच्चों के होते हैं फेवरेट। बनाने में इंतहाई थे सिंपल। तो चलिए, अब आप लोग जाइए और मजेदार से हमारा 3-way पफ पेस्ट्री ट्रीट को करिए इंजॉय। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कीजिएगा। तो विल सी यू सून विद द न्यू रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।